जेल में बाहर रहने के बाद आई फील माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर एंड प्राउड ऑफ माई पीपल, प्राउड ऑफ माई कमिटमेंट. आई टेक अ प्लेज एंड अ प्रॉमिस दैट आई विल नॉट लेट डाउन माई पीपल. आई टेक अ प्लेज दैट आई विल फाइट मोदीज नरेटिव ऑफ नया कश्मीर विच हैज मिजरेबली फेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. पीपल हैव रिजेक्टेड हिज नरेटिव एंड पीपल हैव रिजेक्टेड, पीपल ऑफ जे एंड के हैव रिजेक्टेड व्हाटएवर ही डिड ऑन 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. And Modi ji se kehna chahenge, daro mat, daro mat. Sir, still the leader, leaders like Omar Abdul, leaders like Omar Abdullah and Mehbooba Mufti are saying that you are a leaders like Mehbooba Mufti and Omar Abdullah are saying that it is an intentional release and you will be supporting BJP like a proxy. My fight is much more bigger than what Omar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 years वो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 years लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और दिल्ली की तरफ दिल्ली में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं. आई हैव नथिंग टू से हिम. पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम. अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं. अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी. जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है. ऑलरेडी ऑन 4th ऑफ जून मैन ही लॉस्ट बाय मोर देन 2 लाख वोट्स. सो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई. आई एम एजेंट ऑफ माई कॉन्शंस, आई एम एजेंट ऑफ माई पीपल. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो गुंडा तिहार से, तिहार का नाम ही काफ़ी है. आई कॉन्ट फॉरगेट अल्ताफ फंतोष हु वाज माई सेलमेट, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश की घर पहुँची. आई कॉन्ट फॉरगेट डजन्स ऑफ कश्मीरीज, उल माजिर बाबा फयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, उल माजिर बाबा फ्राम सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवारा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं. देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ इन्वेस्टर्स फ्राम कश्मीर हु आर देयर इन तिहार हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर. मैं इतना ही कह दूँगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है, मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता. बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? ये कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी. हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है. आई विल फाइट मोदी जीज पॉलिसीज टिल माय लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी. और जो मेरा वोट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट वाज बिकॉज इट वाज अ रिजनमेंट अगेंस्ट मोदीज डिसीजन ऑफ टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करने नहीं दी, तो लोगों को एज ए ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए. इट वॉज नॉट इन लव विद मोदी जी. जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है. वो POK की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू. एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर हमारा है. सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को, आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल नॉट टू डिवाइड देम. कश्मीर बिलोंग्स टू अस, हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल. माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर कैरियर, लीव पॉलिटिक्स अस. इट इज माई जॉब टू रिप्रेजेंट देयर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस. उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर की तिहार जेल में जाना पड़े. और फिर जो आपने उम्र साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. एक बड़े मार्जिन से आपने सिंस यू हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन, इट वाज उमर अब्दुल्ला साहब. जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं. फिर जब हम जीत गए
फिरका इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट इज विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स. मैं उसे कहना चाहता हूँ आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट बट नो इस्लामिस्ट इज रेडिकल वी आर नॉट रेडिकल्स. और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाए वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है. लेकिन दैट इज फॉर यू ऑल्सो इफ आई एम ए सेपरेटिस्ट देन एंटायर कश्मीर इज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स. तो सारे लोग मेरे साथ हैं. लेट यू डिसाइड. आई हैव टेकन ओथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दैट डजंट डिबार मी फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ. Nehru had talked about Kashmir issue. Vajpayee ji had talked about Kashmir issue. Every leader, you have signed agreements in Shumla, in Tashkent, in Agra, everywhere. So how am I separatist? I was on your channel and debate with you. And you have a complaint. You have forgotten me. You have understood that you have died, Engineer Rashid. People have remembered you. Don't forget about your profession, media people. My humble request is, I am one among you. I use write columns. I use come attend TV debates. My shikwa aap se bhi hai. 5.5 years, you have kabhi hamara naam nahi liya. It's something about Tihar. तिहार में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है. तिहार की कहानी मैं बता दूंगा. मैं ऑटोबायोग्राफी, मैं तिहार में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहाँ पर. यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स. आई यूज टू वर्क देयर इन द लाइब्रेरी. मेरे कोई हतक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी. आई वर्क देयर लाइक द वे लाइक अदर इंडस्ट्री डू वर्क. सो आई डोंट नीड सेक्रेट फ्रॉम एनीवन. आई एम कमिटेड फॉर माय पीपल एंड आई विल डू टिल माय लास्ट ब्रेथ. एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन द वर्डिक्ट एंड दे विल गिव इट अगेन. माय मैसेज पीपल ऑफ इंडिया इज दैट वी आर नॉट योर एनिमीज. यू आर बीइंग मिसलेड एंड वी आर बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कश्मीर. सर आप इंजीनियर साहब एक बड़ा सवाल है आपको. अलगाववादी का कंधा तो दिया ही जाता है. अहम बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कई लोगों की तरफ से ये कहा गया कि उनके खिलाफ जेल से लड़ने लोग आ जाते हैं और बच्चे गरीब माँ बाप अपने बच्चों से मिल नहीं पाते. बहुत बढ़िया उन्होंने कहा. उमर साहब से इतना कहूँगा कि 5.5 साल क्या कभी एक बार वो मुझसे मिलने आए, किसी और कैदी से मिलने आए. उनके 3 MP यहाँ थे जो अरविंद केजरीवाल और जो झारखंड के CM थे जो करप्शन चार्जेस में थे, एलिजेड करप्शन चार्जेस में. उनके लिए रैलीज की, उनके लिए बहुत कुछ बोले बट दे डिडंट स्पोक अ वर्ड ऑन इंजीनियर सिंह फॉर 5.5 years. नंबर वन जब उनको यश सर आप तो आना चाहिए रविवार में लायर सर आपकी वजह से क्रेडिट गोज टू यू सर प्लीज सॉरी प्लीज सर. तो मेरा मैडम आप भी आए ना एंड थैंक्स टू माय लीगल टीम स्पेशली. मैं एक और लास्ट पॉइंट उमर साहब के बारे में जो आपने लिखा जेल से उससे उनको इंटरेस्ट करना चाहिए. अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से उनको इलेक्शन नहीं लड़ पाता. बस उन पर फर्ज बनता था जो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं शुड हैव सपोर्टेड देम बिकॉज़ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन ही इज नॉट. उससे ये बता दीजिए आप वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी और मैडम जी जितना डैमेज बाबा मुक्की ने कश्मीर के लिए किया उनके बाप ने किया. मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला. इज मोहम्मद इज कैरिंग फॉरवर्ड योर लेगेसी. दे आर डिस्ट्रॉयड कश्मीर. एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरी का कश्मीर. अब सचमुच जो सियासी सवाल है वो ये है कि आखिर इंजीनियर रशीद के पास इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है. ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर की सियासत में पूछ रहे हैं. बिहार में आपको एक दिन आना चाहिए था मेरे साथ. मेरा वहाँ 18 जनवरी से आज सामने टेलीफोन भी बंद था, वीडियो कॉल भी बंद थी, जो हर इंडिया का राइट है. आई हैड नो कॉन्टैक्ट विद फैमिली. आई डोंट वांट टू इंप्रेस बिहार में अथॉरिटी राइट नाउ. उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा. मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे. स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन से मेरा फोन कट ऑफ किया गया. रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से. आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज ओनली. मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूँ. लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता. प्लीज सर अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों. मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पताल में. वो आप वहाँ के इंडेक्स से पूछ सकते. एनीवे आई विल बी एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन. आपको मुझे आपसे बहुत बातें करनी है. राम मंदिर वाला जो मुद्दा अहम एक अहम सवाल इंजीनियर साहब 5.5 प्रश्न इंजीनियर साहब बिल्कुल जवाब देते हैं. एक अहम सवाल ये है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दोनों अलायंस कर किया हुआ है. क्या आप इस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे क्योंकि ये कहते हैं कि हम सेकुलर अलायंस है, हम जो है सभी लोगों के अलायंस है. अजीब सवाल है आपका. मेरा उनसे बनता क्या है? दे स्पीक अबाउट ED, दे स्पीक अबाउट CBI, बट दे डोंट स्पीक अबाउट UAP. सर कैमरे देन इंडिया एलायंस के किसी लीडर पर UAP लगेगा देन दे स्टार्ट स्पीकिंग.